गाइस, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ में जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कैसे की जाए, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ कंसीव कैसे किया जाए। सो ये टॉपिक थोड़ा विस्तृत है, तो इसको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं, जैसे कि एक तो पीसीओडी हो गया, या यूट्रस फाइब्रॉइड्स हो गया, या फिर आपका हार्मोन्स इश्यू हो गया, या फिर बहुत सारे अदर जैसे फेलोपियन ट्यूब का बंद होना, इस तरीके के जो भी कारण है, इसके जो भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है या जो हेल्थ टिप्स हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसका पहला वीडियो ये है। तो आप अगर इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें जो कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक अपील, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे हेल्दी वीडियोस को मिस ना करें। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीसीओडी होता क्या है, पीसीओएस होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, पीसीओडी जो होता है उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक्चुअली हमारे जो बॉडी में ओवरीज होती हैं दोनों साइड, जो कि एग फॉर्म करती हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में कंसीविंग होने के बाद जो एग रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कंसीव होना पॉसिबल हो पाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। यूजली दो सिस्ट तो सबकी ओवरीज में होती हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा हो इकट्ठा, मतलब छोटी छोटी सिस्ट ऐसी गांठ जैसी बन जाती हैं ओवरी के अंदर, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर पीसीओडी या पीसीसीओएस बोलते हैं, जिस कंडीशन में जो सिस्ट है आपस में रप्चर नहीं हो पाती एंड एग फॉर्म नहीं हो पाते, एग रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, ओवल्यूशन में प्रॉब्लम आती है और कंसीविंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में दो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया, लेकिन कुछ मेल हार्मोन भी होता है हर फीमेल की बॉडी में, दैट इज एड्रोजन। जब पीसीओडी के सिम्टम्स हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, मल्टीपल सिस्ट होती हैं ओवरी में, तब आपके जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, इनका जो बैलेंस है वो कम होने लग जाता है, स्राव कम होने लग जाता है, ये थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं कहना चाहिए। उसके साथ साथ एड्रोजन हार्मोन जो है, जो उसकी एक नियमित मात्रा है, उससे ज़्यादा स्रावित होने लगता है, यानी प्रोड्यूस होने लगता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन दब जाते हैं एंड मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से आपके पीरियड्स में अंतर आ जाता है, या फिर किसी किसी को पहला लक्षण जो होता है केवल स्पॉटिंग्स होती है, यानी ठीक से पीरियड्स नहीं होते। सेकेंड लक्षण होता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर थर्ड होता है कि उनके चिन में या पूरी बॉडी में सब जगह अनचाहे यानी अनवांटेड हेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, और बॉडी में बहुत ही फटीग रहता है, मतलब उलझन होना, पेनफुल पीरियड, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है। एंड मानी हुई बात है कि जब इस तरीके के हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब्ड होंगे तो प्रेग्नेंट होना उस सिचुएशन में खासा मुश्किल हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू आपको बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम के साथ में प्रेग्नेंसी को कैसे कंसीव किया जा सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके मैंने दो एक्यूप्रेशर वीडियो भी बताए हैं, पीसीओडी के जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट होता है वो मैंने अपने एक्यूप्रेशर प्लेलिस्ट में उसको है, आप चाहे तो उसे जरूर देखें, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी है पीसीओडी की वजह से, उसके लिए वो एक्यूप्रेशर पॉइंट रामबाण है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उन्हीं पॉइंट्स में मैं नीडल से भी ट्रीटमेंट देती हूँ, लेकिन अगर आप नीडल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते तो आप अगर उनमें प्रेशर ट्रीटमेंट ही लेंगे तो उससे, अगर आप डेली प्रेशर ट्रीटमेंट उनको देंगे तो आपको बहुत ही जल्द शीघ्र आपको उसमें फायदा होगा, और जो आपकी पीसीओडी की समस्या है जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पा रही, आप प्रेग्नेंट या माँ नहीं बन पा रही है, उस सिचुएशन में आपको खासा लाभ मिलेगा और वो समस्या दूर होगी। तो उन्हें जरूर चेक कर लें, मैं इसे कार्ड में भी ऐड कर दूंगी। सो अब बात करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट हम किस आयुर्वेदा में किस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो करा था, कुछ समय हो गया, जो कि है पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी के बीज, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इस सिचुएशन में। तो आपको वो, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखें, और आपको करना ये कि उन दोनों ही बीजों को, जो सीड्स होते हैं वो कंप्लीटली हर्बल होते हैं,
और इस तरीके के हार्मोन इम्बैलेंस, यहाँ तक कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स या फिर फैलोपियन ट्यूब में भी अगर कुछ ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो पुत्र जीवों को शिवलिंगी के एक एक ग्राम आपको सीड्स लेने हैं और उसको आप गुनगुने दूध या गुनगुने जल से सुबह और शाम उसका सेवन कर सकते हैं, और लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही उसका सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो हो गया पहला ट्रीटमेंट जो आपको करना है। सेकेंड में बात करती हूँ कि सेकेंड क्या, सेकेंड आपको लेना है स्त्री रसायन वटी, जिसका भी मैं वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन विस्तृत वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे जो गर्भधारण प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और उसकी भी आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद दो दो टैबलेट स्त्री रसायन वटी की लेनी है, क्योंकि वो आपकी जितनी भी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं बॉडी में जिस वजह से या फिर कुछ ब्लॉकेज है तो उसको हील करने में, उसे क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा सहायक मेडिसिन है। इसके अलावा बहुत होता क्या है पीसीओडी में, क्योंकि एग रिलीज तो हो रहे हैं, एग फॉर्म तो होते हैं, लेकिन एग्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कंसीविंग हो नहीं पाती है, अभी कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता ठीक से। तो उस सिचुएशन में जो स्त्री रसायन वटी है, जो इमेच्योर एग्स है उसकी जो जो डेवलपमेंट है वो बढ़ाती है, उसे इंक्रीज करती है, जिससे मेच्योर एग्स होते हैं जो कि ईजिली इम्प्लांट होते हैं आपकी यूट्रस में जाकर के, और वो जितनी भी आपकी जिस तरीके भी आपके जो हार्मोन्स की भी इंबैलेंस हो रहे हैं, ये रप्चरिंग जो नहीं हो रही, ये सारे जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉर्ट अप करती है। और कुल मिला के जो जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय दवाएं स्त्री रसायन वटी तो आप ले सकते हैं। सेकेंड उसके साथ में आपको लेनी है चंद्र प्रभा वटी, जो 100 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में यूजफुल होती है, स्पेशली फॉर द गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, जितने भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बहुत लोगों को एंडोमेट्रिस होता है बट वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, जैसे मैंने बोला कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या पीसीओएस है, इन दोनों इन सभी सिचुएशंस में आपकी बॉडी का जो एक होना चाहिए मेटाबॉलिज्म वो पूरा ही डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और साथ साथ स्ट्रेस भी इतना ज्यादा रहता है कि जो कि रिलैक्स होना चाहिए आपकी बॉडी को जिस वक्त आप कंसीविंग करने की सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, तो सारे कारण कुल मिला करके, क्योंकि काफी टाइम से जो लोग भी प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं उन्हें बार बार डिफीट हो रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट होती है उसमें डबल लाइंस आ नहीं पा रही, एंड दे आर क्वाइट डेस्परेट, बहुत ज्यादा उनको निराशा मिलती है, इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है, जिसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स और सरप्रेस होने लग जाते हैं या इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। तो ये जो चंद्र प्रभा वटी है इस टाइप के रीजंस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, साथ साथ आपकी यूट्रस एंड ओवरीज को टोन करती है, मसल्स को पूरा, एंड इसमें किसी भी तरह की जितनी भी मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस करी उन सिचुएशंस को भी दूर करती है, और काफी हद तक 90% मदद करती है आपके जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं पीसीओडी से रिलेटेड, इसकी वजह से जो कंसीव नहीं हो रही उसे ठीक करने में। एंड थर्ड मैं आपसे क्या बोलूंगी, दशमूल का काढ़ा आता है, दशमूल का काढ़ा या फिर दशमूला रिष्ट लें, जो कि इन सभी समस्याओं के लिए जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इनका हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीओडी में बहुत ही स्पॉटिंग टाइप से हो जाती है, या फिर पीरियड होता ही नहीं है, बहुत डिले होता है, इस तरह की जितनी भी सिचुएशन है, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है जिससे आपको बहुत ही वीकनेस रहती है, तो वो सारे जितने भी कारण है उनको दशमूला रिश से उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप अगर दशमूला रिश लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो फ्रेश काढ़ा है जिससे दशमूल का क्वाथ अगर वो ला करके बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका है 4 ग्लास पानी में उसको एक से 2 ग्राम काढ़े को डाल दीजिए, अच्छे से आपको पकाना है धीमी आंच पे जब तक कि वो 1 ग्लास नहीं बचता, और फिर उसको आपको सुबह शाम पीना है। सो ये था दशमूल का क्वाथ, इसको अगर आप लेते हैं तो इन दवाओं के साथ में वो बहुत ही अच्छा काम करता है और प्रेग्नेंट होने में काफी मदद मिलती है उसे इन सिचुएशंस में। सो ये था आपका ये दशमूल का क्वाथ। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको ये जो रेमेडीज बताई हैं अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको करना है कपालभाति प्राणायाम, जो कि लोअर एब्डोमिन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यूट्रस की कोई भी डिजीज हो या फिर ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर ट्यूब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, इन सभी के लिए काफी अच्छी होती है, बट करना सिर्फ आपको धीमी गति से है, जिसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है कि सही ढंग से करते तो बहुत लोगों के देखे, लेकिन सही ढंग से कैसे करना है वो जानना बहुत ही जरूरी है, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं जरूर ऐड कर दूंगी। तो प्राणायाम सीरीज जो मेरी है तो आप उसे जरूर देखें और सीखें कि कैसे करना है, अगर आप उसे डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी ये जो पीसीओडी और यूट्रिन फाइब्रॉइड इन सब की वजह से जो कंसीविंग नहीं हो पा रही है, रुकी हुई कंसीविंग है या फिर रुकी प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, या समटाइम्स क्या होता है लोग प्रेग्नेंट पीसीओडी है लेकिन प्रेगनेंसी होती है बट बार बार मिसकैरेज होने लग जाते हैं, तो उन सारी सिचुएशंस में जो मैंने अभी पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीच बताए वो बहुत ही
कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन बहुत लोग इससे क्या सोचते हैं कि पुत्र जीवक को सोचते हैं कि उससे पुत्र पैदा करने के लिए, तो इस तरीके की भ्रांति मत सोचे। ये दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए, चाहे बेटी हो या बेटा, इनका कुछ इनसे लेना देना नहीं है कि बेटे के लिए है वो। इनका नाम है सिर्फ, ये जड़ी बूटी का नाम है पेड़ का, जिसकी वजह से इसको ये बोलते हैं। अदरवाइज इसका नहीं। हाँ, जो लोग बच्चा चाहते हैं, जिन्हें प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, इधर बेटी हो या बेटा, उससे कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन हाँ, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। इन सभी चीजों की अगर आप करते हैं तो आप इजिली कंसीव कर सकते हैं। मोटो ये है इसका ओवरऑल कहने का। तो आप इन दवाइयों को अगर साथ साथ ले सकते हैं, तो इनके अगर आपको नहीं मिल रही है ये, तो मैं इसकी ऑनलाइन लिंक दे दूंगी जहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं जो आगे की सीरीज में पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को, कौन सी डाइट जरूरी है इसके लिए, किस तरीके की होम रेमेडीज बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसी हर्ब्स होती है जिन्हें लेने से, जो हमारे किचन में ही मौजूद है, जिन्हें लेने से आप अपनी फर्टेलिटी को बढ़ा सकते हैं, इन सब जो हार्मोन इम्बेलेंस इससे खत्म कर सकते हैं, तो मेरे आगे की वीडियो में जरूर बने रहे, उन्हें जरूर देखें। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइज़।